क्या हुआ? कुछ नहीं, ये पेरेंट्स भी कुछ नहीं समझते। एग्जाम में नंबर इनके मर्जी के लाओ, करियर भी इनके मर्जी से डिसाइड करो। बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। जब जिंदगी अपने मर्जी की नहीं तो जीने का क्या फायदा? I was sad. हेलो आंटी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, सुसाइड कर लीजिए। हाँ कर लीजिए। क्या है ना कि मयूर भी आप लोगों से परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। उसके मरने के बाद आप जी के भी क्या करेंगे? और जिएंगे भी तो एक लाश की तरह जिएंगे ना, तो इससे अच्छा आप पहले ही मर जाइए आंटी। पागल हो गया? उठाना। हेलो मयूर बेटा, आकाश का कॉल था तुम्हारे फोन से। वो कुछ कह रहा था बट हेलो आंटी बोला और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। वो ऐसे ही गलती से कॉल कर दिया होगा, मजाक कर रहा होगा। अच्छा ओके, मुझे लग ही रहा था कि आकाश यूं ही मजाक कर रहा होगा, बट वो रियली तेरा बेस्ट फ्रेंड है। और हाँ सुन, तू रिजल्ट का बिल्कुल टेंशन मत लेना। तेरे कोई भी मार्क्स आए, मुझे और तेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके माँ। हाँ तेरे पापा की एक्सपेक्टेशंस है, बट प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। हाँ एक बात सुन, उनकी खुद की भी ग्रेजुएशन में सप्लीमेंट्री आई थी। हाँ रियली, उन्होंने खुद बताया मुझे, शायद इसलिए वो तेरे लिए डरते हैं। और तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके माँ। तो जल्दी से घर आ जाओ। हाँ आकाश को भी साथ ले आना, फिर देखती हूँ उसका मजाक, ठीक है? अब जल्दी से घर आ जाओ, हम खाने पे वेट कर रहे हैं। ओके माँ, आते हैं। बाय बाय बेटा। सुसाइड बात करता है, बड़ा आया। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।